नवी पसूड़ी पाती बाबे नानक ने, करोना करोना कराती भी बाबे नानक ने। बहुत वड्डी गल मैनू लगती है कि जदों बेअदबी गुरु नानक पातशाह दी फलाने आर्टिस्ट ने की, मतलब मेरा नाम जदों जुड़ता मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा भावुक लाइना ने। मैनू कल एक बार फोन किया जाता तो मैं चंगा लगता कि मैं अपना स्पष्टीकरण दे सकता हूँ, पर उन्होंने अपने वालों जज बने और जज बन के उन्होंने अपने वालों वो बाइट चलाती और जिहड़ी कि बहुत वायरल हुई और गलत पासे नू चली गई। सो मैं एक बार फिर समूह संगतों तो जे गुस्ताखी हुई है तो वो मैं माफ़ी चाहना और इंसान जो गलतियां का पुतला आ। बाबे नानक दे नाम दी वीडियो बनाउनी प्रीत हरपाल नू कुछ इस कदर महंगी पै गई कि सिख जथेबंदियां दे विरोध दा प्रीत हरपाल नू सामना करना पै गया। खैर प्रीत हरपाल दा कहना सी कि उन्हां वल्लों किसी दी भावनावां नू ठेस पहुंचाउण दी कोई कोशिश नहीं की गई, पर हाँ जेकर किसी दीआं भावनावां नू ठेस पहुंची है तो उन्हां दे वल्लों अज माफ़ी मंग ली गई है। दरअसल अमृतसर श्री अकाल तख्त साहिब पहुंच के प्रीत हरपाल ने माफ़ीनामा जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं सौंप दिता है ते कहा है कि जेकर मेरे तो कोई गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए मैनू माफ़ कर दिओ। होर की कुछ कह रहे हैं प्रीत हरपाल, आओ सुन लेंदे हाँ उन्होंने ही जुबानी। वाहगुरु जी का खालसा, श्री वाहगुरु जी की फतेह। कल एक वीडियो वायरल होया सीगा जी टिकटॉक ते, बड़ा कह लो कि मैं मंदभागा समा समझदा उस जिहड़ा उहड़ा समा सीगा। असीं फैमिली नाल जांदे सीगे मोहाली ते रस्ते दे विच असीं किते रुकणा सीगा, उत्थे मैं बैंक दे मूहरे गड्डी रोक के ते मैं गड्डी बंद कीती और बच्चे कहण लगे कि भी पापा तुसीं बंद करती है गड्डी, एसी नहीं हैगा, उत्तों असीं मास्क लाए हुए आ। ते मैं कहा पुत्तर बाहर वेखो तुसीं की समा चल रहा है ना, तां इदां इत्थों गल शुरू हो गई। कहिंदे हाँ जी मालक ने पापा तां ही सारिआं नूं इह समा दिखाया कि सारे शायद कितें ना कितें असीं गुनाहगार हाँ, क्योंकि साढ़े घर अक्सर ही लॉकडाउन के दौरान एक गल चलती हुंदी सी कि पता नहीं महाराज नूं की मंजूर है, पता नहीं साढ़े तो कोई गुनाह गुस्ताखी हो गई है इंसानों तो बई जिहड़ा एडा वड्डा जिहड़ा ये करोना वायरस फैलिया है ना। सो इत्थों ही मेरे दिमाग 'च वैसे ही मैं लाइना बोलती हैं अणजाणपुणे 'च कि बई जिहड़ियां तुसीं लाइना मैं हुण दोबारा की बोलां, ते ओ मैं टिकटॉक ते पाईआं। टिकटॉक ते असीं फिर उत्थों तुर पए आ ते रस्ते 'च घंटा डेढ़ घंटे दी मतलब ड्राइव सी, असीं रस्ते 'च रुके तां मैं वैसे टिकटॉक खोल के देखिया, मैं क्या वेखदा भी किन्ने क व्यूज़ आ गए ने, वैसे जिवें जनरली आप आर्टिस्ट लोग देखते हैं। तो वह तीन चार मैं कमेंट पढ़े, वह कमेंट थोड़े नैगेटिव सीगे, फिर मैंने लग्या कि किते उधरले पासे नूं ना तुर पए, जिधरले पासे नूं गल तुर पई ऑलरेडी है ना। तो मैं राइट वे वो डिलीट करती, उस वेले मैं डिलीट करती भी नहीं, मतलब जे लोगों के मन के गलत भावना पैदा हो रही है तो मतलब मैं लगता कि मेरे तो गलती हो गई है तो मैं डिलीट करती। मैं मोहाली पहुँचता हाँ तो मोहाली पहुँचदा मेरे ऑफिस तो मैं फोन आ जाता कि भाजी तुम इदा की कोई गल कही है भी लोगों के फोन आ रहे हैं। सो उदो मैं रिलाइज होया कि अच्छा यार मतलब वाकई वड्डी गलती हो गई है। फिर मैं लाइव होया अपने चैनल के उत्ते, जिहड़ा मेरा अपना फेसबुक पेज हैगा उहदे, फिर इंस्टाग्राम से लाइव हो के मैं मतलब अपोलोजाइज़ किया, मैं अपनी स्पष्टीकरण दिता कि मेरा कोई इदा का इंटेंशन कदे भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस गुरु नूं मैं बचपन तो फॉलो करदा, मेरे जिहड़े आइडल ने, मेरा पूरा परिवार मानदा, मेरे घर रोज़ सुखमनी साहब का पाठ हुंदा सवेरे शाम नूं, मैं रहरास करदा है ना अरदास दे विच सरबत दे भले की गल करदा। सो मतलब इदा किवें हो सकदा कि मैं इंटेंशनली उस गुरु बारे उस अपने पैगंबर बारे इदा की गल कहां। सो मैं जदों सवेरे उठदा हाँ तो मीडिया दे विच बहुत शोरगुल हो चुका सी उदों तक, तो मैं तो यही अपील करूँगा थानू सारयां नू कि भी जिन्हें भी असी अपने अपने धर्म का सतिकार करते हैं, सानू सिखिज़म दे विच यही सिखाया गया शुरू तो कि सरबत दा भला, सारे धर्म साडे लई सतिकारयोग ने और साडा धर्म जिहड़ा आ उह सर्वपरे आ। और जिहड़ा मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे ने, मैं हमेशा ही ईवन वो दोनों मेरे दो बेटे ने और दोनों ही सिखी सरूप दे विच ने, सरूप सिखी सरूप नहीं मैं कह सकता, उन्होंने केसधारी ने वो दोनों सिखी सरूप दे विच जदों आउणा चाहुण, मैं उधरले पासे नूं लै के जाण दी कोशिश कर रहा अपने इतिहास बारे दसदा जो जो मैनूं पता आ। सो ये सारियां चीज़ां मेरे मन दे विच ने और मैं अपने धर्म के उत्ते बहुत अथाह अटुट विश्वास रखदा और सतिकार भी रखदा। मैं जथेदार साहब नूं मिल के अपना जिहड़ा माफ़ीनामा आ वो अपना स्पष्टीकरण दे नाल दोनों चीज़ां मैं उन्होंने सौंपती हाँ, और जो भी जिहड़ी सरपरे अदालत है अकाल तख्त साहब
उन्हां वल्लों जो भी मैनू सज़ा लगेगी मैनू मंजूर आ। और मैं यही कहना चाहवांगा कि बहुत वड्डी गल मैनू लगती है कि जदों बेअदबी गुरु नानक पातशाह दी फलाने आर्टिस्ट ने की, मतलब मेरा नाम जदों जुड़दा मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा भावुक लाइना ने। सो मैं यही अरदास करूँगा और यही दुआ करूँगा जिन्हें भी मीडिया वाले मीडिया हाउसेज ने कि थोड़ी जी रिस्पोंसिबिलिटी दे नाल तुसी मैनू कल एक बार फोन किया जाता तो मैं चंगा लगता कि मैं अपना स्पष्टीकरण दे सकता हूँ, पर उन्होंने अपने वालों जज बने और जज बन के उन्होंने अपने वालों बाइट चला दी और जिहड़ी कि बहुत वायरल हुई और गलत पासे नू चली गई। मैं एक चीज़ होर ये ऐड ऑन करना चाहना कि मैं अपने गुरु का अपने जिन्हें भी मेरे दास गुरु ने उन्हां दी मेरे लिए यह सतिकार है कि जदों शहीदियों के दिन होंदे ने ते वो पूरे दसंबर महीने मैं कोई गाना नहीं करता, कोई गाना रिलीज़ नहीं करता। 21 तरीक तो लैके 27-28 तरीक तक शहीदियों के दिन होंदे ने छोटे साहबजादों के, मैं उन्हां दिनों दे विच कोई शो नहीं करता। यह मैं पिछले 3-4 साल तो नहीं कर रहा। सो मेरा इन्ना अथाह विश्वास आ, अटुट विश्वास आ, और जदों कि मैं उदास होवां जदों मैं कितने निराश होवां जिंदगी तो ते मैं 2 वारी दरबार साहब जलंधर तो अपने घर तो चल के आउण दा मैनू महाराज ने बल बख्शिया। मैं इन्नी आस्था ते इन्नी इन्ना सत्कार रखदा अपने महाराज दे प्रति। सो मैं एक बार फिर समूह संगतां तो जे गुस्ताखी हुई है तो उहदी मैं माफ़ी चाहुंदा, और इंसान जिहड़ा उह गलतियां दा पुतला आ और बस वो गलतियां दा पुतला समझ के माफ़ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस उन्होंने यही कहा कि महाराज बख्शनहार ने और ये जड़ा दर जड़ा दरबार आदे जोड़े गुनाहगार ने उन्होंने हमेशा ही माफ़ी मिलती आई है और मिलती रहेगी, क्योंकि हर एक इंसान जे इंसान गलतियां ना करे, जे इंसान मतलब कोई गुनाह ना करे फिर वो इंसान तो रब हो गया है ना। काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेस गुनी भरया मैं फिर तो लोग कह दरवेश है ना। सो गुणा का भरया होया मैं और मैं लगता हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए। सो मैं लगता कि सारा कुछ उसकी रजा सी महाराज की, शायद उन्होंने यही मंजूर सीगा जो कुछ होना सी वो होया। हाँ मैं गीत बोल के थानू दसता कि मेरे दिलों मैनू लग्या कि मैं गलती कर गया, हालांकि मेरा 1% भी इंटेंशन नहीं सीगा उस टाइम यह, और 1% भी मैं सोचा नहीं गा कि भी मैं, मतलब ये तो बहुत वड्डी गल हो जाती है कि मैं अपने मूँह कहां कि मैं गुरु महाराज के बारे जिस गुरु को मेरे मतलब मेरे घर सवेरे शामी जिहदा नाम लिया जाता है, सवेरे शामी जिहदी उस्तत हुंदी है, उस महाराज के बारे या उस महाराज के खिलाफ कोई टिप्पणी करना इम्पॉसीबल वर्गा आ। पर चलो वो लोगों ने जी समझ लिया, संगत ने समझ लिया उधले पासे नू चीज़ नू, तो मैं वह बार बार उस गुनाह की माफ़ी चाहना। बिल्कुल 1000 वारी बुलाऊंगे मैं, 1000 वारी आऊँगा मैं, जड़ी भी सज़ा होएगी उस सज़ा भुगतने तैयार है। खैर फ्यूचरपाल का कहना है कि बेअदबी शब्द बहुत वड्डा शब्द हुंदा है ते कुछ लोकां ते कुछ चैनलां दे वल्लों उन्हां दे नाल इस शब्द की वरतों की गई है। फ्यूचरपाल का कहना है कि उन्हां दे वल्लों गलती जरूर हुई है जिसके लिए वह माफ़ी मंग चुके ने ते आस करते हैं कि उन्हां नूं जल्द ही इसकी माफ़ी भी दी जाएगी। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, स्पोक्समैन टीवी।